दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के हर कोने कोने में भगवान विराजमान है और इसमें बहुत से प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। आज की यह सच्ची घटना भी भगवान के ऐसे ही एक सच्चे भक्त की है, जिसका भगवान के प्रति अटूट विश्वास उसे भगवान के साक्षात दर्शन करवा देता है। इस अच्छी घटना को सुनकर आपका रोम रोम भी कांप उठेगा और भगवान श्री बजरंगबली का नाम आप अवश्य लेंगे। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले संगीता जी ने। संगीता जी बताती हैं कि बात उस समय की है जब स्वयं हनुमान जी उन्हें दर्शन देकर उनके एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से उन्हें बचा लेते हैं। संगीता जी भगवान श्री बजरंग बली की बहुत बड़ी परम भक्त है। उनके गांव के पास एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां वह हर मंगलवार और शनिवार को भगवान के दर्शन कर पूजा पाठ और अर्चना करती है। संगीता जी इसे प्रभु की कृपा ही बताती है। आज वह इस काबिल है कि वह इस सच्ची घटना को हमारे साथ साझा कर रही है, क्योंकि अगर उस दिन प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद आज वो जीवित भी नहीं होती। वो प्रभु का आशीर्वाद ही है, वह आज भी एकदम सही सलामत है। दोस्तों, बात तब की है जब वह बहुत बीमार थी। काफी इलाज करने के बाद भी उनकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था। उनके माँ बाप ने उनका शहर के सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में इलाज करवा लिया, मगर कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी की असल वजह समझ नहीं पा रहा था। उनके माँ बाप भी उनकी इस बीमारी से बहुत परेशान थे। और फिर एक दिन उनकी पड़ोस में रह रही एक आंटी ने उन्हें संकट मोचन हनुमान के बारे में बताया। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। भारत के इस मंदिर में हिंदू भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। ये प्रसिद्ध हिंदू मंदिर उपदेशक और कवि संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित किया गया था और 80 नदी के तट पर स्थित है। देवता का नाम संकट मोचन था, जिसका अर्थ है मुसीबतों से राहत। मंदिर में भगवान हनुमान को प्रसाद विशेष मिठाई बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है, जिससे भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं और मूर्ति को एक सुखद मैरीगोल्ड फूल माला के साथ भी सजाया गया है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि हनुमान जी की पूजा करने से मंगल के अशुभ प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है और व्यवहारिक रूप से कोई भी ग्रह जिसका मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसे दूर किया जा सकता है। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर हमारे घर से करीबन 40 मिनट की दूरी पर है। हमने अगले ही दिन हनुमान जी के इस मंदिर के दर्शन करने का निर्णय लिया और अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ हनुमान जी के इस मंदिर के दर्शन करने चले गए। मंदिर पहुंचकर हमने हनुमान जी के उस पवित्र मंदिर के दर्शन और पूजा पाठ। इस दौरान मंदिर में स्थित पंडित जी ने मुझे एक धागा यानी कि मौली बांधी, जिसे धारण करने के बाद मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ और कुछ ही समय में सब कुछ ठीक सा हो गया। कुछ समय मंदिर में व्यतीत करने के बाद हम सभी घर वापस आने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हम सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान श्री बजरंग बली के इस चमत्कार को अगर आप भी देख लेते तो आपकी आंखें भी नम हो जाती। दोस्तों, हम हनुमान जी के इस मंदिर में कुछ ही दूरी पर पहुंचे होंगे कि मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। ना तो मुझे कोई दर्द था, ना मुझे अब हताश जैसा महसूस हो रहा था। तब से आज के दिन मैं कभी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हुई। दोस्तों, मैं तो इसे हनुमान जी का ही चमत्कार समझती हूँ, क्योंकि हनुमान जी के इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आज तक मेरी तबीयत कभी खराब नहीं हुई। मुझे तो ये सिर्फ हनुमान जी का चमत्कार ही लगता है, ऐसा संगीता जी ने कहा। तो दोस्तों, आशा है आपको ये खास वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।